Good afternoon, children. Yesterday I taught you the sentences that are being used in school. So I told you yesterday five sentences. Attend your roll call, अर्थात अपनी हाजिरी बोलो. Sit upright, सीधे बैठो. Look at the board, board की तरफ देखो. Don't look back, अर्थात पीछे मत देखो. Listen to me, मेरी बात सुनो. And in this sequence, I am just going to tell you today the next sentences, some more sentences that you need to know, and especially the sentences that you just need to understand so that you can respond to your teachers properly in your class. Okay, so the next one is speak one by one. Speak one by one. इसका मतलब होता है एक एक करके बोलो. अक्सर क्या होता है कि आप सभी लोग एक साथ बोलने लगते हो. You all always start speaking all together. So, मैम आपको उस समय बोलेंगी speak one by one, अर्थात एक एक करके बोलो. या ये भी कह सकती हैं don't speak all together, अर्थात सारे लोग एक साथ मत बोलो. Next sentence, speak one at a time, अर्थात एक बार में एक ही लोग बोलो. ये दोनों बातें एक ही हैं. Speak one at a time, अर्थात एक बार में एक ही लोग बोलो. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट टॉक. डोंट टॉक मतलब बात मत करो. आप रिप्लाई कर सकते हो ओके मैम. नेक्स्ट सेंटेंस है इसी तरह से सेम सेंटेंस जस्ट लाइक कि डोंट टॉक, उसी तरह आप कर सकते हैं स्टॉप टॉकिंग, अर्थात मैम आपसे बोलेंगी स्टॉप टॉकिंग, अर्थात बात करना बंद करो. या आपसे कर सकती है डोंट शाउट, चिल्लाओ मत. या आपसे ये भी कह सकती हैं डोंट मेक अ नॉइज, अर्थात शोरगुल मत करो. इन सब का मतलब होता है कि आप चिल्लाओ मत, बोलो मत. ठीक है. और इसी तरह के और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि मैम यूज कर सकती हैं पिन ड्रॉप साइलेंस. तो व्हाट इज पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एकदम चुप. या आपसे कह सकती हैं कीप मम, चुप रहो, एकदम शांत हो जाओ. तो उस वक्त आपको क्या करना है, आपको साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है. अक्सर होता क्या है कि आप लोग, आपके बगल में कोई बच्चा बैठा होता है तो आप उसे कहते हो थोड़ा खिसक किए, थोड़ा खिसक जाओ. तो उसको क्या बोलेंगे आप, प्लीज मूव अ बिट. क्या बोलेंगे, प्लीज मूव अ बिट, अर्थात थोड़ा खिसक जाओ. आप ऐसी भी कह सकते हैं लेट मी सिट हियर. पहले बोल दीजिए प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा खिसक जाइए, उसके बाद कह सकते हैं लेट मी सिट हियर. ओके, या आप ये भी कह सकते हैं गिव मी सम प्लेस टू सिट हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज लुक अहेड. लुक अहेड इसका मतलब होता है आगे की तरफ देखो. आप लोग आगे की तरफ नहीं देख रहे हो, इधर उधर कहीं देख रहे हो, तो मैम आपसे कह सकती है लुक अहेड. नेक्स्ट, जब आप लोग कुछ बोलना चाहते हो और अक्सर क्या होता है कि इकट्ठा बोलने लगते हो, तो मैम आपसे कह सकती है रेज योर हैंड्स व्हेन यू वांट टू स्पीक. क्या कहेंगी, रेज योर हैंड्स व्हेन यू वांट टू स्पीक, अर्थात जब आपको बोलना हो तो आप अपना हाथ उठाइए. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस इज सपोज करिए आपको मैम लोग होमवर्क देती है, तो ऐसे में आपसे वो क्या कहेंगी, शो मी योर होमवर्क. क्या कहेंगी, शो मी योर होमवर्क, अर्थात अपना होमवर्क दिखाइए. अगर आपको मैम कहती है टेक आउट योर कॉपी बुक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अपनी कॉपी निकालो. या सिर्फ कह सकती है टेक आउट योर बुक, अर्थात अपनी किताब निकालो. टेक आउट योर पेन, अपनी पेन निकालो. अक्सर क्या होता है, आप लोग बच्चे आपस में बैठे रहते हैं, पैर हिलाते रहते हैं, तो ऐसे में आपको मैम अगर बोलती है डोंट टैप योर लेग, डोंट टैप योर लेग, इसका मतलब होता है अपना पैर टैप मत करो. मतलब ऐसे ऐसे हिलाते रहते हो आप लोग, आवाज करते रहते हो पैर से, तो इससे क्या होता है दूसरे को डिस्टर्ब होता है. ठीक है, तो आप लोगों को क्या बोला जाएगा, डोंट टैप योर लेग. ठीक है, ओके चिल्ड्रन, that's enough for today. Thank you.